बागी विधायकों के खिलाफ कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस द्वारा विधानसभा में बागी विधायकों की सदस्यता निरस्त कराने की मांग की जा रही है। बागी विधायकों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। विधायकों की सदस्यता निरस्त करने को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस के विधायक रहते हुए भी बीजेपी ज्वाइन करना और कांग्रेस से इस्तीफा न देना ये लोकतंत्र की गरिमा के विरुद्ध है। ऐसे विधायकों को तत्काल विधानसभा की सदस्यता सूची से हटा देना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रमाण सहित इस बात की विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत करेंगे। नहीं देखिए, सार्वजनिक रूप से कांग्रेस का MLA रहते हुए बीजेपी ज्वाइन करना और निर्लज्जतापूर्वक अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं देना ये लोकतंत्र की गरिमा के विरुद्ध है। इन्हें तत्काल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। वैसे तो संसदीय नियम संचालन और प्रक्रिया के तहत हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से इस बात की प्रमाण सहित शिकायत करेंगे कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और इसीलिए इनकी सदस्यता शून्य कर दी जाए। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मीसा बंदियों की पेंशन ले रहे हैं लेकिन आपातकाल का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनके बयान पर पलटवार करते हुए मुकेश नायक ने कहा कि 1977 के बाद से लगातार मीसाबंदियों को पेंशन मिल रही है। वे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से ज़्यादा पेंशन ले चुके हैं। एक तरफ तो सरकार मंत्रियों का टैक्स नहीं भरने के रेवेन्यू बचाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य शासन के खजाने से इतने पैसे हर महीने मीसाबंदियों को जा रहे हैं, क्या यह रेवेन्यू लॉस नहीं है? 1977 के बाद से लगातार मीसाबंदियों को पेंशन मिल रही है और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से ज़्यादा पेंशन मीसाबंदी ले चुके हैं। कृपा करके कब तक इस मुद्दे को खींचते रहोगे? कम से कम पेंशन तो बंद करो। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मंत्रियों का जो टैक्स है अब मंत्री देंगे, सरकार नहीं देगी, आप रेवेन्यू बचा रहे हो और राज्य शासन के खजाने से इतने पैसे हर महीने मीसाबंदियों को जा रहे हैं, ये रेवेन्यू लॉस नहीं है? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।